हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपना परिवार मस्त क्लासेस में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियोस में मैं आप सबको बायोलॉजी जीव विज्ञान लेसन 3 परिवहन, जिसको इंग्लिश में ट्रांसपोर्ट कहते हैं, का ये वीडियो नंबर 1 है। अगर आप इसका नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें और अंत तक वीडियो को देखें। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है और परिवहन में मैंने जितना भी क्वेश्चंस बताया है, इससे हटकर और इससे बाहर के कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बस आपको केयरफुली वीडियो को वॉच करना है, एक बार में आपके दिमाग में अटक जाएगा। ठीक है, तो आइए बिना टाइम लिए मैं आपको क्वेश्चन में रूबरू कराता हूँ कि जीवों में पदार्थों के परिवहन की परिभाषा लेके। पहला नंबर क्वेश्चन आपके लेसन 3 में परिवहन में बनता है कि परिवहन की परिभाषा बताइए, या इस रूप में भी क्वेश्चन आ सकता है, खाली परिवहन की परिभाषा लेके। तो समस्त उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर की कोशिकाओं तक लाना तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालकर उन अंगों तक पहुंचाना जहां वे शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं, पदार्थों का परिवहन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका जो हुआ 2 नंबर का क्वेश्चन था। आप अगर इस तरह से परीक्षा में लिखते हैं फुल मार्क्स मिलेगा, इसमें लिखने का भी तरीका बताया। अब आगे कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स याद रखिएगा। एक कोशिकीय पौधे जैसे क्लाइमेडोमोनास, युगलिना एवं सरल बहुकोशिकीय शैवालों में पदार्थों का परिवहन जो है ना, विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। कैसे होता है? तो विसरण के प्रक्रिया द्वारा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन। पौधों में पादप पेड़ पौधों कहते हैं, भोजन का वहन कैसे होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह भोजन कैसे जाता है? तो इसको देखिए, याद रखिए, पौधों में भोजन का वहन जो है पत्तियों से प्रारंभ होकर फ्लोएम वाहिनियों द्वारा पादप शरीर में होता है। फ्लोएम वाहिनियों की चालनी लेके में चालनी पट से होकर भोजन का प्रवाह उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर होता है। ठीक है ना, याद रहेगा, उच्च सांद्रण से हाई जो होता है उससे निम्न की ओर होता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन कि संवहन बंडल क्या है। तो संवहन बंडल का डिफिनेशन देखिए, इस लिखेंगे कि जाइलम और फ्लोएम दो ऊतक हैं ये पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, जो जल एवं खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। जाइलम जल का स्थानांतरण करता है और फ्लोएम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। पौधों में एक अंग से दूसरे अंगों तक होता है। इस अंग को ना, यानी जाइलम और फ्लोएम को, हम लोग क्या कहते हैं? संवहन बंडल कहते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए कि लंबी वृक्षों में पूरी ऊंचाई तक जल कैसे चढ़ता है, समझाना है। तो देखिए, लंबी वृक्ष में कैसे जल चढ़ता है, इसका जवाब हम कैसे लिखेंगे? पादपों में पाए जाने वाले वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों का स्थानांतरण में सहायक होती है। वाहिकाएं लंबी बेलनाकार होती है, एक के ऊपर एक स्थित इन कोशिकाओं के बीच अनुप्रस्थ भित्ति घुल जाती है, जिससे क्या होता है कि जड़ से लेकर पत्तियों तक ना जल का एक अखंड स्तंभ का निर्माण होता है। ठीक है, और ये अखंड स्तंभ यानी कि टूटने वाला स्तंभ नहीं, और पूरी पेड़ के ऊंचाई तक जल पहुंचता रहता है। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। तो जाइलम और फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है, एक तरफ आप जाइलम लिख ले, एक तरफ फ्लोएम। आपका देखिए पहला पॉइंट बनता है कि इसकी कोशिकाएं जो होती है ना जाइलम की, मृत होती है, और फ्लोएम की जो कोशिकाएं होती है जीवित होती है। इस तरह से पढ़ने से हमें बहुत जल्दी याद भी होता है। यह जल को एवं घुलित खनिज यानी जो घुल जाए का स्थानांतरण करती है, कौन? तो जाइलम। हाँ, फ्लोएम जब यह है ना, यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करती है। ओके, तीसरा देखिए, इसमें जल एवं घुलित खनिज का बहाव जो है ऊपर की ओर होता है, क्योंकि जड़ जो है ना जल को अवशोषित करके ऊपर पहुंचाता है, जल जो कि नीचे से पाया जाता है, और इसमें खाद्य पदार्थों का बहाव ऊपर तथा नीचे दोनों ओर होता है। तो मैंने इस वीडियो में जो कुछ भी बताया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, और पहली बार हमारे चैनल मस्त क्लासेस पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन क्लिक करें, ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के मजेदार और शानदार वीडियो के साथ फिर मैं आप सबसे मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।